नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीएससी पाठशाला में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वो है हमारा 25 अप्रैल 2023 का। 25 अप्रैल 2023 का क्या है आपका डेली एडिटोरियल एनालिसिस, या इसे हम कहते हैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के ऊपर हमारा डिस्कशन, या इसे आप दैनिक समसामयिक की चर्चा के रूप में भी ले सकते हैं। बाकी लोगों को तो लेना देना ही नहीं है। आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, आपके पास वो सारे क्वालिटी होने चाहिए अभी से। क्वालिटी मतलब सोच, बिहेवियर, डिसिप्लिन, जो एक आपके आईएएस ऑफिसर में होता है, जो एक सिविल सर्वेंट में होता है। आप लोग क्या करते हो, क्लास में जुड़े फैमिली मेंबर के साथ बैठ के ना आप लोग ब्लैंक पेज रखते हो ना पेन रखते हो, बस आए क्लास सुन लिए हो गया, उसमें भी ना पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे। कुछ ही लोगों का डेली क्वेश्चन होता है, मुझे तो नाम भी याद हो गया है ना। ये नहीं होता तरीका, सिंसियर वे में तैयार आप पढ़िए। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता कि जहां तहां मन जाकर के बैठ गए और पढ़ने लगे, ट्रैफिक में जा रहे हैं क्लास सुन रहे हैं, उससे क्या आपको समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक प्रॉपर टाइम है कि 8 बजे, तो 8 बजे आप रेडी रहिए। 8, 6, 7 तक मैं अभी वेट कर रहा था बच्चों को एडमिट करने के लिए, जबकि मैं कई दिन बोल चुका हूं, कई दिन, कितनी बार बोल चुका हूं कि प्लीज एक तो टाइम पे ज्वाइन करिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। भाई कम से कम गुड इवनिंग तो बोल दो, चैट में तो बोल दो ना, ग्रीटिंग है उसके साथ ही ना सीरियसनेस है। बोल बोल के आपको सब थक जाएगा। आप लोग को तो करना वही होता है जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के मन में यही होता है, अरे ऐसी बोल रहे हैं छोड़ो ना क्या होता है। ठीक, इन सब चीजों से तैयारी नहीं होती है, रियली ऐसे तैयारी नहीं होती है। बी अ सीरियस एस्पिरेंट, बता देता हूं लाखों का भीड़ है और इस भीड़ में अगर अपने आप को यूनिक नहीं बनाओगे, सही से तैयारी नहीं करेंगे, अनुशासन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा आपका लिखने का तरीका है, प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू में क्या होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू में, जब अपियर होते हैं ना तो पसीना छूट जाते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं, पसीना छूट जाते हैं मतलब क्या, जब पहली बार आप अपियर होंगे ना तो कॉन्फिडेंस जो है हाई नहीं होता, एक डर रहता है और वो आपसे हर एक चीज जो है निकलवा लेते हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी। तो आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए, आपकी समझ भी वैसी होनी चाहिए जैसे एक सिविल सर्वेंट का होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अरे भाई पहले प्री कर लेंगे, फिर मेंस देखेंगे, फिर इंटरव्यू देखेंगे। नहीं, ये तैयारी साथ में होती है। जैसे जैसे हम तैयारी करते हैं वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, मेरिट जिसे हम लोग कहते हैं सिविल सर्वेंट का, हमारे अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप तैयारी सीरियसली नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। समझ जाइए ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। मैं क्यों आज डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आज भी मैं क्लास स्टार्ट किया, टाइम पे क्लास स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े, फिर मैंने अपने ग्रुप में भी लिंक डाला। ठीक है, क्यों भाई, जरूरी है कि मैं डेली ग्रुप में लिंक आपको शेयर करूं? आपका मास्टर क्लास बुक होता है ना, आपके टाइम पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपको ईमेल आता है, आपको ईमेल जब मास्टर क्लास आप बुक करते हो तो बहुत सारे बच्चे तो बिना बुक किए ही आ जाते हैं। मेरे पास सारा लिस्ट होता है, अगर विश्वास ना हो तो मैं आप लोग को दिखा सकता हूं कि मेरे पास लिस्ट है या नहीं है। ठीक है, आज मैं आपको भी दिखा देता हूं, इतने दिनों में पहली बार एक चीजें, पहली बार का मतलब आप लोग को क्या बताऊं मैं, सिंपल चीजें समझिए। अभी शेयर स्क्रीन में ये पीडीएफ कर रखा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगा लास्ट क्लास में आज किस किसने बुक किया था और क्लास में कौन कौन है। दूसरी चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं कल भी साइड डिस्कस किया था, उससे पहले भी, आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन करते हैं, उनका कॉल आता है, क्लास लीव कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे 5 मिनट देखे छोड़ दिए, बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन किए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट में जाकर के वो फालतू के डाउट्स पूछते हैं। मेरे बस की बात नहीं है ना, किसी की बस की बात नहीं है कि एक ही टॉपिक को दो बार आपको जो है कवर अप कर लिया जाए। एक टाइम लिमिट है, हमें टाइम लिमिट में काम करना चाहिए, हमें जो है एफिशिएंसी होना चाहिए, हमारे पास कार्य दक्षता जिसे कहते हैं, स्किल होना चाहिए। शुरुआत करते प्रिपरेशन का तो चलो ठीक है, इतना माइंड आपका नहीं खुला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने,
साल भर भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों से बिहेव नहीं दिखता, आप लोगों से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। ऑनलाइन क्लास मतलब क्या होता है कि आए क्लास ज्वाइन कर लिए, नहीं भाई, टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। गुड इवनिंग आप लोगों से नहीं कहा, मुझे ये बुरा नहीं लग रहा कि आप लोग मुझे गुड इवनिंग नहीं कहते हो, मुझे इन चीजों का टेंशन हो रहा है कि आप लोग के अंदर अनुशासन अभी भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो कितना भी पढ़ लेंगे तो आप आंसर भी लिखने में अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो आपको वहां प्रॉब्लम होगा, इंटरव्यू में तो होगा ही होगा। अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, ये सोनी जी हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं 8:15 पे, उमा सोनी, क्या ये तरीका सही है? नहीं सही है। और क्लास में पूरे लास्ट तक रुकिए, आप लोग सुनिए, कोई डाउट होता है मैं मौका देता हूं, हैंड रेज करिए कि पूछिए, और किसी का डाउट नहीं छोड़ता अगर वाजिब डाउट होता है तो, चाहे एडिटोरियल इस सेशन से रिलेटेड हो या प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। आप लोग के लिए एफर्ट मैं कर रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, 4 से 5 वेबसाइट में पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर एडिट उसके लिए जो स्टैटिक पोर्शन के लिए अलग से नोट्स बनाता हूँ, अपने पास रखता हूँ। क्यों भाई? ताकि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वो अपने मुकाम पर पहुंच जाए, रिजल्ट दे दे। प्लीज आप लोग ध्यान में रखिए इन सारी चीजों का, अगर कोई दिक्कत होता है हैंड रेज करके, मैं क्लास के बीच में भी ले लेता हूं अगर हैंड रेज होता है, क्या डाउट हुआ। एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अगर आपके कहते हैं ना कि अनुशासन नहीं है, या आप अनुशासनहीन हो गए हैं, तो आपको तैयारी छोड़ देना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं है तो आप धीरे 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 उसको अपने अंदर लाओ। एक सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं और एक जो सिविल अभ्यर्थी होता है, उनमें एक ही चीज का अंतर होना चाहिए, और होता है जो सीरियसली होते हैं, बताऊं, एक सेलेक्टेड होते हैं और एक सेलेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन जो सेलेक्टेड नहीं होते हैं, अगर पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन में सीरियस तैयारी किए होते हैं, तो जहां भी रहते हैं किसी से बेस्ट रहते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उनसे बेस्ट रहते हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। चाहे आप खेती ही करोगे ना तो सबसे बेस्ट करोगे, मतलब अपने आप में बेस्ट करोगे। आप घास ही काटोगे ना तो घास काटने के लिए भी आपका तरीका सबसे अच्छा हो सकता है। एक अंदर से अपने आप को डेवलप करिए ना, अगर डेवलप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। और मैं आप लोग को आज टाइम लिया हूं, जानबूझ के टाइम लिया हूं, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मेरा सेशन ना आए, ना हो, ठीक है, तो आप लोग जो भी आएगा हो सकता है कि मेरे जैसे ना हो, आपके सारे डाउट्स ना ले, मैं लेंगे, सारे फैकल्टी का होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाए। इन जब तक हूं भाई, कम से कम सीख लो कुछ चीजें। मैं फिर से एक चीज आपको याद दिलाता हूं, ठीक है, किन चीजों के बारे में समझिएगा। कहते हैं ना कि अनुशासन जो है, आप लोग बुद्धिज्म भी पढ़े होंगे, विनय पिटक, जो अगर आपने पढ़ा होगा, जो उपाली ने लिखा था, उसमें भी क्या था, बौद्ध भिक्षु के रेगुलेशंस, उनके अनुशासन। क्योंकि अनुशासन जो है ना वो आपको महान बनाता है, ग्रेट बनाता है। अशोका के बारे में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, अशोका ने धम्म पॉलिसी चलाया, वो धम्म था क्या, एक रिलीजियस कोड, एक अनुशासन कि लोगों को फॉलो करना चाहिए, और जो लोगों को फॉलो करवाने के लिए धम्म महामात्र बनाया। क्यों? वो एक ऑफिसर था कि देखे कि लोग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसे करवाया जाए। ये जो कहते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मेरा ये कतई सोच नहीं है कि मैं आप लोग का टाइम वेस्ट करूं, लेकिन कभी कभी इन सारी चीजों के बारे में भी सुनना जानना बहुत जरूरी है, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक चीजें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, समझिएगा। कहते हैं ना भाई कि जब हमने अपने मंजिल पर चलना शुरू कर दिया है, आपने तैयारी शुरू कर दिया है, तो मंजिल पर बिना पहुंचे तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, बिना पहुंचे तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। चुनौतियां बहुत आएगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा कई दिनों तक, लेकिन धीरे 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 उस चीजें सही हो जाएगी। क्या कहते हैं कि अनुशासन ही अपने जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है।
समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा लाइन है ना। और एक चीज तो सिंपल चीज है ना कि अनुशासन के बिना और अभिमान के साथ क्या गया तप व्यर्थ ही होता है, ये भी याद रखिए, घमंड अभिमान जिसे हम लोग कई बार कहते हैं। तो आपको ये भी हमें सीखना चाहिए कि अनुशासन से आपको रिजल्ट मिल सकता है। अनुशासन तब आता है जब हम बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, एक सीरियस अभ्यर्थी के रूप में, गंभीर अभ्यर्थी के रूप में व्यवहार करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग करते हैं। आप ऑफिस में जाओगे तो ग्रीटिंग करोगे ना, बोलोगे ना गुड, मैं आपकी क्लास जो स्टार्ट करता हूँ तो कैसे स्टार्ट करता हूँ, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्यों भाई? थोड़ा आप डेवलप करिए, बहुत टाइम नहीं लिया हूं, जरूरी था ये चीजें मुझे बताना। प्लीज आप लोग इन चीजों को फॉलो करिए, अदरवाइज मैं कल से आपको जो है कहता हूँ ना एडमिट नहीं करूंगा। शिवम जी, यू आर द बेस्ट टीचर। देखिए इन सारी चीजों में अभी आऊंगा मैं, लेकिन एक चीजें मैं आपको बताता हूँ ना कि शायद पहले भी बोला होगा, मैं अपने क्लास में बोलता हूँ, आप लोग अभी तक ऑलमोस्ट सब अब ग्रेजुएशन में होंगे या हो गया होगा, बहुत पढ़ लिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, आप पेरेंट्स के खुशी के आंसू के लिए पढ़िए। अगर प्री क्लियर होता है ना तो उनका सीना चौड़ा होता है, मेंस क्लियर होता है तो और सीना, मतलब कहते अपने आप पे गर्व होता है। हाँ, और इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया तो समझ लो सिर्फ आप ही का नहीं, पूरे गांव का, जिला का, स्टेट का नाम रोशन होता है, समझे? इन चीजों को ध्यान रखिए, एक प्रॉपर, एक सही रास्ते पे चलिए। और मैं ये भी चीजें बता दूं कि अगर मान लीजिए मेरा कहते हैं कि सेशन ना हो, अगर मैं आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो, कभी भी कोई दिक्कत होगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, लेट रिप्लाई आएगा बट रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी एक कहते हैं ना कि फैकल्टी हैं, काम करते हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं। आप लोग को अगर मैं बताऊं तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सुबह 6 बजे, और आधे घंटे तैयार होने में लगता है और 7 बजे निकल जाता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए मुखर्जी नगर में, आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे जो निकलता हूँ, 6 बजे घर पहुंचता हूँ, तुरंत सेशन स्टार्ट करता हूँ, पूरा चाय पिया, कॉफी पिया, सेशन स्टार्ट, कंटिन्यू 8 बजे अभी आपका सेशन होता है, फिर अभी से लेकर के 11:30-12 बजे रात तक, 11 बजे रात तक का जो मेरा शेड्यूल है। और लास्ट में बिना, आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जो मैं दिन में भी अगर टॉपिक कवर किया होता हूँ उसको मैं खुद भी रिवाइज कर लेता हूँ, एक तो पहले कवर किया फिर अभी पढ़ाया फिर रिवाइज करता हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरे माइंड में स्टोर हो जाए। आप लोग का बहुत सारे का डाउट होता है कि सर याद कैसे करें, भाई याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स का या किसी रिलेटिव का फेस बार बार देखते हैं तो हमेशा याद रहता है कि नहीं याद रहता है, मरते दम तक याद रहता है, आंख ओझल हो जाए फिर भी पहचान लेते हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक को एक बार पढ़ करके छोड़ दिए तो फिर कैसे होगा? सो दैट्स व्हाई रिविजन। अब मुझे एक चीजें बहुत सारा एक बोलने का मन होता है लेकिन एक टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, बहुत सारे इसमें जो आपके सीरियस स्टूडेंट है, बहुत सारे रिजल्ट देने वाले, उन लोगों के लिए भी आप सोचिए, अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में तो आप खुद को डिसिप्लिन में तो रख सकते हैं ना, अनम्यूट नहीं करिए, समझिए, क्योंकि अगर आपका एक अनम्यूट हो जाता है तो बहुतों का नुकसान होता है। एक दिन तो मैंने बोल दिया था आज मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, है ना? सो दैट्स वाई थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये चीजें सुना, ठीक है, और सेशन में रहे, सबसे बड़ी बात। ठीक, अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत मतलब टॉपिक के साथ करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग का आज का जो क्या है, दैनिक समसामयिक की चर्चा हम लोग कहते हैं, और ये आपका 25 अप्रैल 2023 के लिए है, ठीक है? और ये जो चर्चा होता है ना, सॉरी, हाँ, ये जो चर्चा होता है वो आपके द हिंदू के एडिटोरियल के आधार पे, ठीक है, हम लोग वहीं से आर्टिकल लेते हैं और फिर प्रॉपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कि जैसे मैं डेली दिखाता हूँ आप लोगों को कि आपके एडिटोरियल पे देखिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है वारलेस, जो हम लोग कहते हैं कि पंजाब, और ये जो है आपका खालिस्तान मूवमेंट से, सेकंड आर्टिकल में मैंने रखा है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये आज का जो हमारा 25 अप्रैल का, और इसमें जो द हिंदू के पेज के ऊपर जो आज का एडिटोरियल था, ठीक, आप लोग देख सकते हैं, इसमें पहला लेफ्ट साइड में है आपका क्या, कि वॉरलेस पंजाब, क्या है आपका वॉरलेस पंजाब हम लोग कहते हैं,
ये खालिस्तान से रिलेटेड आपका इश्यूज है, ठीक है, और ये सेकंड आर्टिकल में भी रखा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। दूसरे उसके बाद जो है पेंडिंग बिल्स, द इशू ऑफ ओके गवर्नेटोरियल यू कैन से कि इन एक्शन, ये गवर्नर से रिलेटेड है, आज हमारा ये मेन आर्टिकल है, इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन डिप्लोमेसी एंड द हॉर्स ऑफ इंटरेस्ट मोरालिटी, की इंडियन डिप्लोमेसी को लेकर के है, कैसे भारत जो है आपका विश्व गुरु के रूप में बन करके आपका बहुत सारी भूमिका निभा सकता है। तो ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, खास करके कई सारे देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद द मैनी बेनिफिट्स ऑफ मैरिज इक्वालिटी, ओके, ये शादी को लेकर के हम, या जो आपके टॉपिक जो चलता रहता है LGBTQ, ओके, देन या सेक्सुअल जो हम लोग कहते हैं सेम मतलब कि जेंडर में शादी, ठीक, ये है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ये तो आपका पूरा का पूरा पॉलिटिकली है, सो दैट्स वाई नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम लोग पहले आर्टिकल के साथ अपने डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये आर्टिकल है आपका पेंडिंग द बिल्स, ओके, द इशू ऑफ गवर्नेटोरियल ओके इनएक्शन, इसे आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो डेली का मेरा रहता है, ये किससे रिलेटेड टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर टू, यह हमारा जनरल स्टडीज पेपर टू से रिलेटेड है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें, ये जो टॉपिक है वो आपके प्री हो या मेंस हो, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए ही क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं कि आपका क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है जिसे हम लोग क्या कहते हैं संदर्भ, क्या है इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इस टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के, ठीक है, जो तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के, कि आपको जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि राज्यों के द्वारा यानी राज्य की विधायिका द्वारा पास किए गए बिल पर जो आपके एक्शन नहीं ले रहे, या उसे प्रेजिडेंट के लिए जो है आपका रिजर्व कर दे रहे, ठीक है, या इन एक्शन है उसपे कोई एक्शन नहीं ले रहे, मतलब बहुत सारे टसल चलता रहता है। और बहुत सारे आप देखोगे कि मैं एक चीज बता दूं आपको, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है क्या, कि आपका बहुत सारे राज्यों में गवर्नर को लेकर के क्या होता है टसल जो है वो आपका चलता रहता है, यानी तमिलनाडु के राज्य विधानसभा में विधेयकों को पारित होने के संबंध में तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों को लेकर के बहुत सारे मतलब एक विवाद जो है हुआ है। इसी विवाद में जो तमिलनाडु के विधानसभा ने एक आपका क्या क्या है प्रस्ताव पारित किया, और उन्होंने बोला, यानी कि तमिलनाडु के विधानसभा का कहना है, यानी कि तमिलनाडु सरकार भी कह सकते हैं, कि जो विवाद चल रहा है उसमें राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है, या हस्तक्षेप करने का एक आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयक जो है अभी भी लंबित है, क्योंकि राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, तो विधानसभा ने क्या किया, तो विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, यानी किसके विधानसभा, तमिलनाडु के विधानसभा, ठीक है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए एक समय सीमा तय करने का आग्रह किया है। किसने, तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रपति को बोला है कि आप एक टाइम लिमिट डिसाइड करिए कि गवर्नर को इतने दिनों के अंदर राज्य विधानसभा के द्वारा या राज्य विधायिका के द्वारा पारित किए गए बिलों पर क्या करना चाहिए, साइन देना चाहिए, सहमति देना चाहिए, है ना। सो दैट्स व्हाई कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि राज्य के यानी कि कार्यपालिका द्वारा, दैट मीन्स की विधायिका, वहां के जो आपका विधायिका मतलब समझते हैं ना, कि छह स्टेट में क्या है ड्यूल हाउस, जो हम लोग कहते हैं हमारे इंडिया के छह राज्यों में आपका जो बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय व्यवस्था है ना, तो उसको आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं पहले यूनियन लेवल पे, ओके, संघ के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका पार्लियामेंट जो है वो विधायिका है, पार्लियामेंट क्या है विधायिका। तो पार्लियामेंट का अर्थ क्या होता है, पार्लियामेंट का अर्थ होता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा आर्टिकल 80
लोकसभा आर्टिकल 81, ठीक है, ये पार्लियामेंट हो गया। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, समझिएगा कि स्टेट में क्या होता है विधायिका, लेकिन विधायिका मतलब कि वहां पे भी 6 राज्यों में क्या है, 2 सदन। तो उसका बहुत सारी सिंपल ट्रिक है, मिले आपको लिख देता हूं ट्रिक के साथ, क्या है ट्रिक समझिएगा थोड़ा सा। तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ओके। सो टी से तेलंगाना, यू से यूपी, डी एच आई से बिहार, एम से महाराष्ट्र, पहले जम्मू में था अब नहीं है, ए से आंध्र प्रदेश, और के आर से कर्नाटका। कर्नाटका में भी न्यूज भी चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे 2 ही सदन है, तो वहां पे जो 6 राज्यों में जो वहां पे 2 सदन है, 2 हाउस है, एक राज्यसभा का जैसा, वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हम लोग कहते हैं, SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 6 राज्यों में है ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, बाकी राज्यों में नहीं है। बाकी राज्यों में क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और पुडुचेरी और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर आपका असेंबली है, विधानसभा है। तो थोड़ा ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले जो हम लोग समझने की जो कोशिश कर रहे थे, क्या है कि राज्यपाल के पास पावर होता है, क्या पावर है कि आपका विधेयक को वो सहमति दे ना दे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है आपका चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गवर्नर होता कौन है, ओके। तो गवर्नर की अगर आप बात करेंगे, जो राज्यपाल की अगर आप बात करेंगे, तो आर्टिकल 152 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक ही गवर्नर एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था। उसके बाद जो गवर्नर होता है दोस्तों, वो पैरेलल टू प्रेसिडेंट होता है, यानी जैसे प्रेसिडेंट संघ के स्तर पर, पूरे भारतीय स्तर पर, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो हम लोग कहते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका का हेड होते हैं, जो भी कुछ होता है उनके नाम पे होता है, ठीक है, सरकार का काम, यहाँ तक कि वॉर डिक्लेरेशन, बहुत सारे बताने के, पढ़िएगा थोड़ा गवर्नर का, मेरे पास टाइम लिमिट है इसलिए, नहीं तो पॉलिटी में तो मैं इतने डिटेल में कवर कर दूंगा, फिर भी बताता हूँ। उसके बाद राज्यों में गवर्नर, लेकिन गवर्नर के 2 भूमिका होती है, ड्यूल रोल हम लोग कहते हैं। एक वो केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, दूसरा वो राज्य सरकार के कार्यपालिका के रूप में, कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के जैसे ही राज्यों के नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। जो नॉमिनल पावर जो है नाम मात्र का, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास, और रियल पावर होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, जहां पे आप देखे होंगे कि अभी जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, देन आपका पुडुचेरी एंड देन दिल्ली, यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। या केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक भी होते हैं। अच्छा, जो गवर्नर होगा, जो जिस राज्य का गवर्नर होगा, वो उस राज्य का हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ यहाँ से हमें समझना पड़ेगा इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं कि अपने इंडिया का जो पार्ट 6 है, ठीक है, भाग 6 भारतीय संविधान का, वो राज्यों से संबंधित है, पार्ट 5 संघ से संबंधित है ना। तो भाग 6 जो है, अगर सेशन समाप्त हो जाएगा तो दोबारा आप लोग जुड़ेंगे, भाग 6 जो है वो राज्यों से रिलेटेड है, राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। भाग 5 जो आपका संघ से संबंधित है। तो इसी में अगर हम लोग देखते हैं, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि आर्टिकल 153, 152 से स्टार्ट हो जाता है, 153 कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी सभी राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, एंड एक ही पर्सन जो है एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसी के साथ था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जो गवर्नर का मैंने बताया कि ड्यूल रोल है, ठीक है, ड्यूल कैपेसिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट का, और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि राज्यपाल जो है एक प्रकार का पुल है, किसके बीच, संघ और राज्यों के बीच, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमें,
जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े और समझने की अगर कोशिश करते हैं राज्यपालों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने आप में क्या है ना कि हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो आर्टिकल 153 मैंने बता दिया। अच्छा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल को भी जो राज्यों के मंत्री परिषद है, ठीक है, उनके आधार पर क्या करना होगा, काम करना होगा उनके सलाह के ऊपर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 164 आर्टिकल है, ठीक। और उसके बाद जो बात करते हैं अनुच्छेद 157 और 158, राज्यपाल के पद के लिए कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन है, जैसे भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद ना हो और उस राज्यों से नहीं होना चाहिए। और यहीं पे राज्यपाल की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 161 है जो क्षमादान की शक्ति को बताता है, और अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को बताता है। अच्छा, अब आते हैं मेन चीजों के ऊपर कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक शक्ति है। किन मामलों में? विवेकाधीन शक्तियों के मामले में, ठीक है, यानी कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल के जो है उसे मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करना पड़ता है, ठीक है। अनुच्छेद 163 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर ईच स्टेट। ओके, राज्यों का क्या होगा, एक हम लोग बात करते हैं ना कि मंत्रिपरिषद होगा, ओके। और राज्य के जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत, और फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर जो राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं, है ना। अच्छा, जो राज्यपाल है राज्यसभा की सॉरी जो राज्यपाल है राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकती है, अनुमति दे सकते हैं, ठीक है, अनुमति नहीं भी दे सकते हैं, या राज्यों को रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखते हैं। अनुच्छेद 200 कहता है अगर कोई भी बिल राज्य विधानसभा के द्वारा पारित हुआ है, यानी राज्य के विधायिका के द्वारा पारित हुआ है, तो गवर्नर के पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो गवर्नर के पास अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन में आपका क्या क्या आएगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले वो बिल को सहमति दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल को सहमति दे सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं, वो सहमति नहीं भी दे सकते हैं, उसे भी तो होल्ड कर सकते हैं, और वो आपके जो राज्य के विधायिका को, विधानसभा को, या जिन राज्यों में है या जहां दोनों है तो वहां पे विधायिका कहेंगे, तो राज्य की विधायिका को वापस भी भेज सकते हैं और रिजर्व करके रख सकते हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुद्दा जो है यहीं से स्टार्ट होता है, जो डिस्प्यूट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो जो राज्यपाल की जो शक्ति है विधेयक के ऊपर, उसके बारे में अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 200 के तहत चार पावर्स हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 201 क्या कहता है, बिल बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, यानी ये हो सकता है कि बिल को क्या कर लिया जाए, रिजर्व किया जाए, रिकंसीडर करने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट चीजें मैं आपको बताऊं यहीं पे हमारे लिए इंपोर्टेंट है, कि गवर्नर के पास अगर हम लोग कहते हैं ना कि ध्यान में रखिएगा वीटो पावर होता है, जैसे राष्ट्रपति के पास भी होता है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, या क्वालिफाइड वीटो भी होता है, ठीक है। तो जो वीटो पावर है गवर्नर ऑफ इंडिया इंडिया के पास, यानी गवर्नर ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, राज्य के राज्यपालों के पास आपका एब्सोल्यूट वीटो है, जो पूर्ण वीटो, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है, मनी बिल को छोड़ करके, मनी बिल पे सस्पेंसिव वीटो नहीं होगा, लेकिन पॉकेट वीटो नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है लेकिन गवर्नर के पास नहीं है, तो लेकिन गवर्नर के पास विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, तो भी एक इनडायरेक्टली कहे तो आपका वीटो जैसे ही है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट से पारित हुआ और राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक बिल जो है बनेगा ही नहीं, है ना, लॉ बनेगा नहीं। वैसे राज्यों में भी अगर राज्य विधायिका पारित करती है और गवर्नर साइन ना करे, एसेंट ना दे, तो बिल ही नहीं बनेगा, है ना। सो ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है।